दोस्तों IPL 2020 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों अगर आप भी नीतीश राणा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों IPL 2020 का 49वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक रहा। आपको बता दें चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और नीतीश राणा ने बेहतरीन बल्लेबाजी भी की। इन दोनों ने पावर प्ले में 48 रन बटोरे कि तभी 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल बोल्ड हुए। उन्होंने 17 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 26 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सुनील नारायण ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक छक्का मारने की कोशिश में रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने 7 गेंद में 1 छक्के की मदद से 7 रन बनाए। इसी दौरान दोस्तों सलामी बल्लेबाज नीतीश राणा अच्छी बल्लेबाजी करते गए और उन्होंने एक अर्धशतक भी ठोका। आपको बता दें 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज रिंकू सिंह भी कैच आउट हुए। उन्होंने 11 गेंद में 1 चौके की मदद से 11 रन बनाए। वहीं इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर आखिरकार सेट बल्लेबाज नीतीश राणा कैच आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 61 गेंदों में 10 चौके और 4 लंबे गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसी बीच 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान ओयर मॉर्गन भी कैच आउट हुए। उन्होंने 12 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 15 रनों की पारी खेली। इसी तरह से दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए, जिसमें दिनेश कार्तिक 10 गेंद में 3 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे और वहीं राहुल त्रिपाठी भी 2 गेंद में 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। CSK की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो लुंगी एंगिड़ी के नाम 2 विकेट रहे। इसके अलावा मिचेल सैंडर, रविंद्र जडेजा और कर्ण शर्मा के नाम 1-1 विकेट रहा। अब दोस्तों आपको बता दें कि 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी रही और शेन वॉटसन और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच अच्छी साझेदारी हुई। उन्होंने पावर प्ले में 44 रन बटोरे। इसी बीच 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर शेन वॉटसन कैच आउट हुए। उन्होंने 19 गेंद में 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 14 रनों की पारी खेली। वहीं दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंबती रायडू ने गायकवाड़ का अच्छा साथ निभाया और इन दोनों के बीच एक बढ़िया साझेदारी हुई। इसी दौरान गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। आपको बता दें रायडू भी अपने अर्धशतक के करीब थे, लेकिन 14वें ओवर की चौथी गेंद पर रायडू को पैट कमिंस ने आउट किया। रायडू ने अपनी पारी में 20 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रनों की पारी खेली। वहीं दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। धोनी ने अपनी पारी में 4 गेंद में 1 रन बनाया। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सैम कुरन ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। ऐसे में दोस्तों आपको इस मैच में नीतीश राणा की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ध्यान से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। IPL 2020 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।